प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 कक्षा 6 भाषा भारती मतलब हिंदी पाठ 2 कटुक वचन मत बोल के प्रश्न उत्तर बता रहा हूँ मैं आपको। अभ्यास है, प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क है दांत जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि वे होते हैं कठोर, चार विकल्प दिए हैं, छोटे संख्या में अधिक कमजोर, तो सही है कठोर। ख है मधुर वचन है या औषधि है, चार विकल्प दिए हैं। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दी है मैंने। शरीर में जीभ अच्छी नहीं है तो सब बुरा बुरा है। ख है वाणी का वरदान मात्र मानव को मिला है। ग है वाक चातुर्य से कटु सत्य को प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है। और घ है वाणी के दुरुपयोग से स्वर्ग भी नरक में परिणत हो सकता है। प्रश्न नंबर 3, एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। क है मालिक ने लुकमान की बुद्धिमानी की परीक्षा किस प्रकार की, तो उत्तर है मालिक ने लुकमान की बुद्धिमानी की परीक्षा प्रश्नोत्तर एवं तर्क वितर्क के द्वारा की। ख है जिज्ञासु ने कन्फ्यूशस से क्या प्रश्न किया, तो इसका उत्तर है जिज्ञासु ने कन्फ्यूशस से प्रश्न किया कि यह बताइए कि सबसे दीर्घजीवी कौन होता है। ग है श्रीमती शास्त्री नौकर पर क्रोधित क्यों हुई, तो इसका उत्तर है श्रीमती शास्त्री नौकर पर इसलिए क्रोधित हुई कि उसने काम बिगाड़ दिया था। ग है राजा ने स्वप्न में क्या देखा, इसका उत्तर है राजा ने स्वप्न में देखा कि उनके सारे दांत टूटे हुए हैं। ड बुलबुल और फूल का संवाद लिखिए, इसका उत्तर है एक बार बुलबुल ने सुबह सुबह ताजे खिले फूल से कहा, अभिमानी फूल इतराओ मत, इस बाग में तुम्हारे जैसे बहुत फूल खिल चुके हैं। फूल ने हंसकर कहा, मैं सच्ची बात पर नाराज नहीं होता, पर एक बात है कि कोई भी अपने प्रिय से कड़वी बात नहीं कहता। प्रश्न नंबर 4, 3 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। क लुकमान ने अपने मालिक के दोनों प्रश्नों के उत्तर में जीभ ही क्यों कहा, इसका उत्तर है लुकमान ने अपने मालिक के दोनों प्रश्नों के उत्तर में जीभ ही इसलिए कहा है कि अगर शरीर में जीभ अच्छी नहीं है तो सब अच्छा है। अगर शरीर में जीभ अच्छी है तो सब अच्छा है, और अगर जीभ अच्छी नहीं है तो सब बुरा ही बुरा है। ख है जो नम्र होता है वह अधिक समय तक जीता है, एक उदाहरण देकर समझाइए, इसका उत्तर है जो नम्र होता है वह अधिक समय तक जीता है। उदाहरण के लिए मुंह में जीभ नम्र होती है अतः वह हमेशा बनी रहती है, परंतु दांत कठोर होते हैं अतः वे समय से पहले टूट जाते हैं। ग है जीभ ने दुनिया में बड़े बड़े कहर ढाए हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, इसका उत्तर है जीभ ने दुनिया में बड़े बड़े कहर ढाए हैं, कड़वी बात ने संसार में अनगिनत झगड़े पैदा किए हैं। कड़वी बात कहने के कारण ही पांडवों और कौरवों में महाभारत का युद्ध हुआ था। ग है वाणी तो सभी को मिली हुई है परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है, भाव स्पष्ट कीजिए, उत्तर इसका ईश्वर ने वाणी तो सभी को प्रदान की है परंतु कब कैसा और क्या बोलना चाहिए यह सभी व्यक्ति नहीं समझते हैं। समझदार या बुद्धिमान व्यक्ति सोच समझ कर बोलता है और व्यर्थ की बातें नहीं करता है, कभी ऐसा नहीं बोलता है जिससे सुनने वाले के दिल को ठेस पहुंचे। ड है कटुक वचन मत बोल पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, उत्तर है कटुक वचन मत बोल पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मधु वचन बोलना चाहिए, कभी किसी को कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। कठोर वचन बोलने से मित्र भी हमारा शत्रु बन जाता है। दुनिया में जितने भी झगड़े
और लड़ाई आदि हुए हैं, उनका मूल कारण कठोर या कटु वचन बोलना रहा है। प्रश्न 5 सोचिए और बताइए, क 3 इंच की जीभ 6 फुट के आदमी को मार सकती है कैसे? इसका उत्तर है, जीभ 3 इंच से लंबी होती है। यदि हमने इसका सही ढंग से प्रयोग नहीं किया और दूसरों के प्रति कठोर वचनों का प्रयोग किया तो सामने वाला व्यक्ति दुखी हो जाएगा और उसके हृदय को गहरी ठेस पहुंचेगी। वह बेचैन हो जाएगा। ख है, किसी का हृदय कटु वाणी में दुखी नहीं करना चाहिए, क्यों? इसका उत्तर है, कटु वाणी हृदय को ठेस पहुंचाती है, व्यक्ति दुखी हो जाता है। किसी के द्वारा कहे हुए कठोर वचनों को सुनकर व्यक्ति भूल नहीं पाता है, इसलिए कहा जाता है कि किसी का हृदय कटु वाणी से दुखी नहीं करना चाहिए, अपनी वाणी पर हमेशा संयम रखना चाहिए। ग है, बातन हाथी पाइये बातन हाथी पाँव क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है, जीवन में बातों का वचनों का बड़ा महत्व होता है। यदि हम मधुर वचनों का प्रयोग करते हैं तो राजा या शासन की ओर से सम्मान मिलता है। इसके विपरीत यदि हम कठोर वचनों का प्रयोग करते हैं तो राजा या शासन की ओर से दंड मिलता है। प्रश्न नंबर 6, अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर दीजिए। क है, यदि लुकमान की जगह आप होते हैं तो मालिक के प्रश्नों का क्या उत्तर देते हैं? इसका उत्तर है, यदि लुकमान की जगह हम होते तो मालिक के प्रश्नों का यही उत्तर देते कि यदि जीभ अच्छी है तो दुनिया में सब अच्छा है, और अगर जीभ बुरी है तो दुनिया में सब कुछ बुरा है। जीभ के कारण ही दुनिया में भलाई और बुराई है। ख है, हमें वाणी का वरदान न मिला होता तो क्या होता? इसका उत्तर है, यदि हमें वाणी का वरदान न मिला होता तो हम गूंगे या मूक कहलाते, हम कुछ बोल नहीं पाते, हम अपने विचार दूसरों के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाते, परस्पर प्रेम संबंध भी नहीं होते। भाषा की बात, प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। व्यक्तित्व, विदीर्ण, प्रशंसा, वाणी, बुद्धिमान। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध वर्तनी लिखिए। ये है जिज्ञासु, ये आएगा ज्ञानी का ग, जिज्ञासु। दार्शनिक लिखा है, ये आएगा दार्शनिक। हृदय लिखा है, ये आएगा हृदय। प्रसन्नशा लिखा है, यह आएगा प्रशंसा। और हंसकर लिखा है तो यह आएगा हंसकर। ये चंद्रबिंदी है हाँ के ऊपर। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। स्वप्न, लोकप्रिय, ऐश्वर्य, कारावास, अभिमानी। तो स्वप्न का है, राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके सारे दांत टूट गए हैं। लोकप्रिय का, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन एक लोकप्रिय कवि थे। ऐश्वर्य, राजा का अपना ऐश्वर्य होता है। कारावास, अपराधी को कारावास में डाल दिया गया। अभिमानी, अभिमानी हमेशा अपमानित होता है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित शब्दों में विकारी और अविकारी शब्द छाटिए। तो लड़की, तालाब, गांव, ही, भी, नगर तथा इधर। तो इसका उत्तर है, अविकारी शब्द आ जाएंगे लड़की, तालाब, गांव और नगर, और अविकारी शब्द आ जाएंगे ही, भी तथा इधर। तो आपने देखा ये कक्षा 6 हिंदी या कक्षा 6 भाषा भारती पाठ 2 कटु वचन मत बोल के प्रश्नोत्तर। एक बार फिर से इनको देख लें। प्रश्न 2, प्रश्न 3, तीन ख, तीन ग,
घ, तीन ड, चार क, चार ख, चार ग, चार घ, चार ड, ये अंग, पांच क, पांच ख, पांच ग, छे क, छे क में छे ख। भाषा की बात, प्रश्न एक। प्रश्न दो। प्रश्न तीन, वाक्यों में प्रयोग। और प्रश्न चार, विकारी और अविकारी शब्द। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।